हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बज। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक टीवी का रिव्यू कर रहा हूँ, जो है आई फैल्कन का S53 सीरीज़ का 32 इंच का टीवी। जिन लोगों को नहीं पता, आई फैल्कन बेसिकली TCL का ही सब ब्रांड है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है टीवी मार्केट में। तो आज मैं इसका एक इनडेप्थ रिव्यू करूँगा, जिसमें मैं कवर करूँगा इसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और फीचर्स को। लेकिन उससे पहले, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स को। बॉक्स में आपको ये रिमोट मिलता है, जिस पर गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, टीवी गार्ड और TCL चैनल ऐप के लिए शॉर्टकट बटन्स है। उसके बाद है यूजर मैनुअल, फिर स्टैंड अटैच करने के लिए गाइड दिया गया है और सर्विस सेंटर एंड वारंटी कार्ड है। थैंकफुली 2 बैटरीज दी गई है इसमें। उसके बाद है स्टैंड माउंट, लेकिन ये प्लास्टिक का है, और स्टैंड फिट करने के लिए स्क्रूज दिए गए हैं। लास्ट है ये ऑडियो वीडियो कंपोनेंट केबल। अब सबसे पहले पोर्ट्स की बात करेंगे तो इसमें एक USB पोर्ट, LAN पोर्ट, केबल TV पोर्ट, 1.4 और 1.4B HDMI पोर्ट, ऑडियो वीडियो पोर्ट और ऑप्टिकल पोर्ट दिया है होम ऑडियो सिस्टम कनेक्ट करने के लिए। और ये AV कंपोनेंट केबल को इस येलो पोर्ट में लगाकर आप ओल्ड मीडिया प्लेयर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें आपको फुल स्क्रीन बेजललेस डिज़ाइन मिलती है, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। S53 सीरीज़ सिर्फ 32 इंच में ही अवेलेबल है और इसमें HD-ready डिस्प्ले दिया गया है। नीचे ये सिल्वर ब्रश मेटेलिक फिनिश दिया है फॉर प्रीमियम लुक, और आई फैल्कन लोगों के नीचे है LED इंडिकेटर। बैक में प्लास्टिक दिया है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है टीवी की। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये एक एंड्रॉयड टीवी है और इसमें एंड्रॉयड 11 दिया गया है और स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। होम स्क्रीन पर सभी इंस्टॉल्ड एप्स और कुछ रिकमेंडेड कंटेंट विजिबल है। आप चाहे तो होम स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। UIs का मुझे स्मूथ लगा, कोई लैग या स्टटरिंग नहीं मिला। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Zee5 और सभी स्ट्रीमिंग एप्स मिल जाते हैं, और जो नहीं है उन्हें आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप राइट में इनपुट में जाकर आप कनेक्टेड डिवाइसेस देख सकते हैं। एक टीवी गार्ड फीचर भी दिया है, जो बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करके टीवी को ऑप्टिमाइज करता है फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस। इसमें ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई दिया है, और इसमें इनबिल्ट 8GB की स्टोरेज और 1GB रैम दी गई है। और परफॉर्मेंस के लिए 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर दिया है विथ माली G31 MP2 ड्यूल कोर GPU। इसमें आप प्ले स्टोर से कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ब्लूटूथ गेम पैड या टीवी के रिमोट के थ्रू भी गेम खेल सकते हैं, और परफॉर्मेंस डिसेंट है। साथ में आपको क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी मिलता है, तो फोन के डिस्प्ले को आप टीवी पर मिरर कर सकते हैं। रिमोट पर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया गया है, और ये प्रॉपरली वर्क करता है हर एक्सेंट के साथ। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको LCD पैनल मिलता है विद HDR10 एंड HLG सपोर्ट। पिक्चर क्वालिटी 13,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। वाइड कलर गैमट और ट्रू कलर टेक्नोलॉजी की वजह से कलर्स काफ़ी पंची है, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, और माइक्रो डिमिंग की वजह से इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। बट ब्लैक्स थोड़े और डीपर होते तो और मज़ा आता, बट व्यूइंग एंगल इसमें अच्छा है। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो इसमें आपको 24W के स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी ऑडियो, जो आपको इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस दे सकता है। तो चलिए साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं। साउंड काफ़ी लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है। सरप्राइजिंगली फुल वॉल्यूम पर भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बट बेस की कमी लगी मुझे इसमें। बट अगर आप चाहे तो ARC पोर्ट के थ्रू आप अपने ऑडियो सिस्टम में कनेक्ट करके डॉल्बी सराउंड का फुल मज़ा ले सकते हैं। इसमें आपको दूसरे प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी मिलते हैं, जैसे पहले TCL चैनल, जिसमें आप मूवीज़, सीरियल्स, शॉर्ट वीडियोज़ सभी चीज़ें देख सकते हैं, और कुछ लाइव चैनल्स भी अवेलेबल है। इसी तरह एक डिस्ट्रो ऐप भी दिया गया है, जिसमें भी कुछ लाइव चैनल्स अवेलेबल है। आप अपने फ़ोन को TV से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो बात है फाइनल वर्डिक्ट पर। 13,000 के हिसाब से टीवी फीचर रिच है, साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी दोनों मुझे इसमें अच्छी लगी। बस एक दो नेगेटिव्स है, बट इस प्राइस पॉइंट पर उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। स्टोरेज, रैम और ओवरऑल UI एक्सपीरियंस स्मूथ है, वहाँ मुझे कोई इशू नहीं लगा। सभी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। इसकी सेल 7 अप्रैल 12 PM से स्टार्ट होगी। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये टीवी कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।